नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस्लामपुर डीसीआरसी सेंटर से, जहां से पुनः जो है एक जिला परिषद सीट को लेकर अपडेट लेकर इस वक्त आए हैं। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे कि जिला परिषद सीट नंबर 5, जिसके अंतर्गत आगडिमठी खंती ग्राम पंचायत, माटीकुंडा 1 ग्राम पंचायत, माटीकुंडा 2 ग्राम पंचायत तथा इस्लामपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत यह जिला परिषद सीट नंबर 5 पड़ती है, जहाँ से जो अपडेट आ रही है कि इस सीट से ब्लॉक सभापति जाकिर हुसैन की स्त्री जो थी नरगिस बेगम, वह लगभग 20,000 से भी अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। जो जानकारी आ रही है कि लगभग 22,000 वोटों से जो है जिला परिषद सीट नंबर 5 से ब्लॉक सभापति जाकिर हुसैन की जो स्त्री हैं नरगिस बेगम, जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वह जो है लगभग 22,000 वोटों से विजयी हुए हैं। बड़ी खबर लेकर आए हैं इस वक्त आप लोगों के सामने, आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। जिला परिषद सीट नंबर 5, जहां से ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति जाकिर हुसैन की स्त्री नरगिस बेगम लगभग जो है 22,000 वोटों से जीत हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी नरगिस बेगम 22,000 से भी अधिक वोटों से विजयी हुए हैं, ऐसी ही जानकारी आ रही है। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे इस्लामपुर डीसीआरसी सेंटर से, काउंटिंग सेंटर से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत जिला परिषद सीट नंबर 5, जहां से आगडिमठी खंती ग्राम पंचायत, माटीकुंडा 1 ग्राम पंचायत, माटीकुंडा 2 ग्राम पंचायत तथा इस्लामपुर ग्राम पंचायत का जो है इलाका पड़ता है, और इस सीट से लगभग 22,000 से भी अधिक वोटों से तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, आपको बताने की कोशिश करेंगे, तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नरगिस बेगम, जो कि ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस जो है नरगिस बेगम लगभग 20,000 से भी अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे जिला परिषद सीट नंबर 6, जहां से अपडेट आ रही हैं कि लगभग 6,000 से भी अधिक वोटों से जावेद अख्तर की जो स्त्री हैं फरहत बानू, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वह जो है लगभग जो है जीत हासिल की है। जो जानकारी आ रही है जिला परिषद सीट नंबर 5, जहाँ से नरगिस बेगम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी नरगिस बेगम, जो कि ब्लॉक सभापति जाकिर हुसैन की स्त्री हैं, वह लगभग 22,000 से भी अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। साथ ही साथ बताने की कोशिश करेंगे जिला परिषद सीट नंबर 6, जहां से आपको बताने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं जावेद अख्तर महाशय, उनकी स्त्री जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे फरहत बानू, वह जो है लगभग 6,000 से भी अधिक वोटों से आगे चल रही हैं या फिर विजयी हुई हैं। अभी तक जो है ऐसा ही तथ्य जो है तथ्य संस्कृति दफ्तर की ओर से दी गई है। साथ ही साथ बड़ी खबर आ रही है जिला परिषद सीट नंबर 4 से, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मौसमी खातून, वह जो है इस वक्त जो है काफ़ी वोटों से आगे चल रही है। आपको बताने की कोशिश करेंगे पश्चिम बंगाल तथ्य संस्कृति जो विभाग है दफ्तर है उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है कि जिला परिषद सीट नंबर जो 4 है वहाँ से तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मौसमी खातून, वह जो है इस वक्त आगे चल रही हैं, काफ़ी वोटों से आगे चल रही हैं। जिला परिषद सीट नंबर 5, जहां से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी नरगिस बेगम लगभग 22,000 से भी अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। जिला परिषद सीट नंबर 6, जहां से आपको बताने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी फरहत बानू, जो जिसके प्रतिनिधि जावेद अख्तर महाशय हैं, वह जो है लगभग 6,000 से भी अधिक वोटों से विजयी हुए हैं, ऐसी ही तथ्य जो है तथ्य संस्कृति दफ्तर की ओर से दी गई है। ग्वालपुकुर से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ग्वालपुकुर के जिला परिषद सीट नंबर 7 से जो तथ्य सामने निकल कर आ रही है कि जिला परिषद सीट नंबर 7 से जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसने जो है जीत हासिल की है। ग्वालपुकुर 1 के अंतर्गत यह इलाका पड़ता है, 7 नंबर जो सीट है जिला परिषद का, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी
प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। 8 नंबर से जो है तृणमूल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मोनी गुलाम रसूल महाशय, उन्होंने जीत हासिल की है। तथा 9 नंबर सीट से जो बड़ी खबर आ रही है कि 9 नंबर सीट से भी जो है ग्वालपुकुर के जिला परिषद सीट के लिए ऑल आपको बोलना जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की है। नाम जो है कुछ ही देर में आप लोगों को हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तथ्य संस्कृति दफ्तर की ओर से जानकारी दी जा रही है कि ग्वालपुकुर वन ब्लॉक के अंतर्गत 3 जिला परिषद सीट हैं, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, जहां से बड़ी खबर आ रही है कि 7 नंबर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, 8 नंबर सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है तथा 9 नंबर सीट से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। यानी कि 3 सीटों में से 2 सीट ग्वालपुकुर वन ब्लॉक के अंतर्गत कांग्रेस के खाते में गई है, 1 सीट जो है तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं इस्लामपुर ब्लॉक की अगर बात आप लोग ले ले तो इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत आपको बताने की कोशिश करेंगे 5 नंबर सीट से जो है नरगिस बेगम ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति जाकिर हुसैन की स्त्री ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग 22,000 से भी अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। तथा 6 नंबर सीट से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। 6 नंबर सीट से जो तथ्य संस्कृति दफ्तर की ओर से जानकारी दी गई है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं फरहत बानू, वह लगभग 6,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की है। तथा 4 नंबर सीट से जो अपडेट आ रही है, 4 नंबर सीट पे इस वक्त जो है मौसमी खातून काफी वोटों से आगे चल रही है। आपको बताने की कोशिश करेंगे 4 नंबर जो जिला परिषद सीट है जिसके अंतर्गत सुजाली गोविंदपुर ग्राम पंचायत, साथ ही साथ बताने की कोशिश करेंगे कि रामगंज वन रामगंज टू ग्राम पंचायत पड़ता है। 4 नंबर सीट से भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मौसमी खातून, वह जो है इस वक्त आगे चल रही हैं, काफ़ी वोटों से इस वक्त जो है आगे चल रही हैं। बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं इस वक्त जिला परिषद की 6 सीटों का जो है एक तरह से कह सकते हैं रिजल्ट जो है कुछ ही क्षणों में ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी तथ्य संस्कृति दफ्तर की ओर से दी जा रही है कि 4 नंबर सीट से जिला परिषद के इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत जहां से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी मौसमी खातून काफ़ी आगे चल रही हैं, 5 नंबर सीट से नरगिस बेगम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग 22,000 वोटों से विजयी हुए हैं, 6 नंबर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी फरहत बानू जिनके प्रतिनिधि जावेद अख्तर हैं वह जो है 6,000 से भी अधिक वोटों से विजयी हुए हैं, 7 नंबर सीट से ग्वालपुकुर वन ब्लॉक के अंतर्गत 7 नंबर सीट से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, 8 नंबर जो है सीट है जहां से ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति ग्वालपुकुर वन के गुलाम रसूल उर्फ मनी ने जो है जीत हासिल की है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी। तथा 9 नंबर सीट से जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वह उन्होंने जो है जीत हासिल की है। यानी कि ग्वालपुकुर वन ब्लॉक के अंतर्गत कुल जो 3 सीट है, 3 सीटों में से 2 सीटों पर जो है आपको बताने की 2 सीटों पर जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की है। 1 प्रत्याशी जो है वह जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। साथ ही साथ जो बड़ी बात आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत 5 नंबर सीट से 22,000 से भी अधिक वोटों से नरगिस बेगम जो है वह जो है जीत हासिल की है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी। साथ ही साथ 6 नंबर सीट से जावेद अख्तर की जो स्त्री हैं फरहत बानू वह जो है लगभग 6,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की है। तथा 4 नंबर सीट के लिए अभी भी काउंटिंग चल रही है जहां पर काफी वोटों से जो है तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मौसमी खातून वह जो है आगे चल रही है। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस्लामपुर DCRC सेंटर से, एक एक करके जो है आपको विस्तारित रूप से जो जानकारी दे रहे थे तथ्य संस्कृति दफ्तर की ओर से जो है यह जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जो बड़ी बात बताने की कोशिश करेंगे चाकुलिया ब्लॉक से भी जो है बहुत जल्द जो है हम लोगों के सामने अपडेट आने वाला है, उसकी भी जानकारी बहुत जल्द आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।